अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प। झड़प में दोनों ओर से कई सैनिक जख्मी। रक्षा मंत्रालय ने की 6 भारतीय जवानों के घायल होने की पुष्टि। 17,000 फीट से ऊंचाई पर यंगस्टे इलाके में हुई झड़प। 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने की भारतीय चौकी हटाने की नाकाम कोशिश। 9 दिसंबर को हुई दोनों देशों के सैनिकों में झड़प। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई से उल्टे पांव भागे चीनी सैनिक। घायल भारतीय सैनिक गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में भर्ती। तवांग झड़प के बाद एलएसी पर सेना को ऑपरेशन अलर्ट किया गया। जून 2020 में गलवान और पूर्वी लद्दाख में रिनचेन ला के पास। अगस्त 2020 के बाद से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच ये पहली बड़ी झड़प है। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प का मुद्दा आज संसद में गूंजेगा। कांग्रेस और एआईएमआईएम आज इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से तवांग बॉर्डर पर हुई झड़प पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चीन की हिमाकत पर पीएम मोदी या फिर अपनी चुप्पी से उसे क्लीन चिट दे देते हैं। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने तवांग झड़प पर चिंता जाहिर की। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि हमें अपने सैनिकों की बहादुरी, साहस और शौर्य पर नाज है। भारत चीन के बीच लद्दाख एलएसी पर भी गतिरोध जारी है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 16वें दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर साधा केंद्र पर निशाना। राजस्थान के सवाई माधोपुर में राहुल ने युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। कि चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे वो किसान हो, जो अपने बेटे को इंजीनियर देखना चाहता है, डॉक्टर देखना चाहता है, लॉयर देखना चाहता है, उन सब का सपना आपने तोड़ दिया। राजस्थान में 8वें दिन भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर पहुंची। सोमवार को राहुल की अगुवाई में यात्रा 23 किलोमीटर चली। सोमवार को बूंदी में तेजाजी मंदिर से शुरू हुई यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका और उनकी बेटी मिराया भी शामिल हुई। महिला शक्ति के नाम रहा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 96वां दिन। यात्रा में महिला मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता और घरेलू महिलाएं शामिल हुई। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आज हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों को पूरा ब्यौरा पेश किया जाएगा। आज संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी है। 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे। गुजरात के विल्किसवालों केस में आज अहम सुनवाई। 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच अहम सुनवाई करेगी। यूपी के मेरठ में एक लड़की की दिलेरी ने चेन स्नेचर्स को भागने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग महिला की चेन खींचकर भाग रहे बदमाशों को लड़की ने बाइक से गिरा दिया। हालांकि वो भागने में कामयाब रहे। यूपी के मैनपुरी में चुनावी रंजिश में एक महिला को गोली मार दी गई। वहीं उसके पति को अगवा करने की नाकाम कोशिश की गई। बिहार में भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल के बेटे ने फायरिंग की। जमीन विवाद में हुई इस फायरिंग में 4 जख्मी, 1 की हालत गंभीर। इंदौर में शराब डिस्काउंट को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दुकान का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को बदमाशों ने 20 मिनट में 4 पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों ने 4 पेट्रोल पंपों से 1.25 लाख रुपए की लूट की।
इंदौर के सत्यसाई चौराहे पर सोमवार को दिन दहाड़े एक पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की कोशिश हुई। कार चालक ने बोनट पर लटके कांस्टेबल को 4 से 5 किलोमीटर तक दौड़ाया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम भूपेंद्र के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ली। गुजरात विधानसभा परिसर के हेलीपैड ग्राउंड पर हुई ओथ सेरेमनी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। गुजरात मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भूपेंद्र कैबिनेट में 8 मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा मिला है। 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 6 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। केंद्र के मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुखबुकाहट फिर तेज हुई। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में कैबिनेट में फेरबदल संभव है। अगले साल 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फेरबदल के आसार। जुलाई 2021 के बाद मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभाला। औपचारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों ने सीएम सुक्खू को बधाई दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जनता से किए हर वायदे को पूरा करने का संकल्प जताते मुख्यमंत्री ने कहा अगले 10 दिनों में लेंगे पुरानी पेंशन योजना पर फैसला। समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद शिवपाल सिंह यादव का बढ़ेगा कद। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवपाल को जल्द बनाया जा सकता है राष्ट्रीय प्रवक्ता। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार AIMIM से नाता तोड़। बीएसपी में हो सकता है शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। अतीक की पत्नी को बीएसपी प्रयागराज मेयर का उम्मीदवार बना सकती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। छत्रपति शिवाजी पर विवादित बयान को लेकर फंसे गवर्नर ने गृहमंत्री से मार्गदर्शन करने की बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बागडोर सौंपने के संकेत दिए। खत्म हुआ, अब ये काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। आप तो हमारा एक बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहे। 2024 चुनाव पर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कहा अब जो बनेगा वो मेन फ्रंट होगा। पहले जो बना था वो थर्ड फ्रंट था। बिहार में बीजेपी से राह जुदा होने के बाद नीतीश लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम एकजुट हो जाएंगे तो जीत निश्चित है। भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत सकती है। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। जल्दी ही देखिएगा, वो तो अपनी बात है, अभी जल्दी अगर कल। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश पर पलटवार। कहा नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी के साथ वापस आने का रास्ता बंद है। जल्दी ही देखिएगा, वो तो अपनी बात है, अभी जल्दी अगर कल को फिर वो पलटी मारना उनको होगा तो कहेंगे कि कुर्नी में राजद ने पूरी मेहनत करके हमें हराया है इसलिए मैं पलटी मार रहा हूँ, लेकिन इस बार भाजपा किसी कीमत पर उनको वापस नहीं लेगी। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने 2000 के नोट को बंद करने की मांग की है। मोदी के मुताबिक 2000 के नोटों से काला धन को बल मिल रहा है। नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए साल दो साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आज से नगर निगम चुनावों को लेकर बड़े शहरों में जनसभा रोड शो अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम आज मथुरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र से सीएम एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के बीच सोमवार को मुलाकात हुई। दोनों राज्यों में जारी सीमा विवाद के बीच इन दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मेघालय में पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। राज्य में अगले साल 5 से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभाला। औपचारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों ने सीएम सुक्खू को बधाई दी। सीएम सुक्खू ने कहा जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो सीएम की कुर्सी की बागडोर पर पहुंचेगा, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, कहा मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता था, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मुझे राज्यपाल बनाया गया लेकिन अब मुझे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औचक निरीक्षण किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का सरप्राइज विजिट किया। डिंपल यादव ने सांसद के तौर पर शपथ ली, अखिलेश यादव साथ में मौजूद रहे, डिंपल यादव ने भारी वोटों के साथ मैनपुरी में जीत हासिल की है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर होगी FIR, पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR के निर्देश दिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राजा पटेरिया के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट होता है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। राजा पटेरिया ने अपने बयानों पर सफाई दी, कहा बयान का मतलब पीएम मोदी को हराने से था, बयान तो तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक, बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बैठक में शामिल होंगे, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा, ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है जैकलीन। पठान फिल्म की रिलीज से पहले मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे शाहरुख खान, शाहरुख खान ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। किंग खान कल देर रात कटरा पहुंचे, मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका और प्रार्थना की, शाहरुख खान के साथ उनके दोस्त भी मौजूद रहे। पठान फिल्म से शाहरुख खान लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, फिल्म में किंग खान के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ हाजरा में जनसभा की और ममता सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी मंगलवार को हाजरा मोड पर जनसभा करेगी, जनसभा में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के अलावा कई मंत्री और टीएमसी के राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी संबोधित करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा ने त्रिपुरा बीजेपी के बड़े नेताओं से साथ उनके बैठक।